नमस्कार दोस्तों, टारगेट है, इन सभी के एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से भर्ती विज्ञापन आ चुका है। भोपाल से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ 9/10/2022 को। 9 अक्टूबर को यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, डायरेक्ट भर्ती होने वाली है, परमानेंट जॉब है। और इसमें नर्सिंग स्टाफ, साथ में लैब असिस्टेंट एवं अन्य कई पोस्ट शामिल हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम चैनल भी में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन का PDF और एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको ऑफलाइन तरीके से इसमें आवेदन करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट इसमें शामिल हैं। तो पहला जो पोस्ट है, पद का नाम देख सकते हैं, सहायक वार्डन के लिए रहने वाला है। महिला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और नियमित बेसिस पे ये भर्ती होने वाली है। नंबर ऑफ दी पोस्ट जो है, एक ही पोस्ट शामिल है। नेक्स्ट जो पोस्ट है, सहायक वार्डन मेल के लिए रहने वाला है, इसमें भी एक ही पोस्ट रहने वाला है। नर्स के लिए, स्टाफ नर्स के लिए जो है, एक ही पोस्ट शामिल है, नियमित रहने वाला, परमानेंट जॉब है। और इसकी सैलरी जो है 6 CPC के अनुसार 2400 ग्रेड पे के अनुसार आपको मिलने वाली है। अगला जो पोस्ट है, सहायक प्रशासन के लिए रहने वाला है, सहायक वित्त और लेखा विभाग के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो कनिष्ठ सहायक के लिए है, पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक के लिए पोस्ट रहने वाला है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है दोस्तों, ये देख लेते हैं। असिस्टेंट वार्डन के लिए क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा। असिस्टेंट वार्डन में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और असिस्टेंट वार्डन मेल के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा असिस्टेंट वार्डन में। नेक्स्ट पोस्ट, तो इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन में BSc नर्सिंग होना चाहिए, रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग, या फिर आपके पास पोस्ट BSc नर्सिंग है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथ में 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी मांगा है, मिनिमम 50 बेड के साथ किसी भी हॉस्पिटल में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि आपके पास डिप्लोमा है, GNM है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए 2.5 ईयर का, 2.5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 50 बेड के साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगा वो देख लेते हैं। तो असिस्टेंट के लिए है और इसमें क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। फाइनेंस एंड अकाउंटेंट में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट के लिए, और इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास 12th पास होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर में किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए रहने वाला है, इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, साथ में डिप्लोमा मांगा है इन लाइब्रेरी साइंस में। और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और एटलीस्ट 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है लाइब्रेरी में, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है, लैब असिस्टेंट के लिए रहने वाला, 5 पोस्ट शामिल है इसमें। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नेक्जर 1 में देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। इसमें देख सकते हैं आप, क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए, साथ में फुल टाइम 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा है। ITI में आपके पास ITI इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन या टर्नर फिटर मैकेनिस्ट में आपके पास ITI होना चाहिए डिप्लोमा। और यदि आपके पास फुल टाइम 1 ईयर का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सर्टिफिकेट जो है ITI इन लेदर गुड्स एंड मेकर में या फिर कारपेंटी में आपके पास ITI होना चाहिए। दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना होगा। प्लीज़ सबमिट डेली फिलेट अप्लीकेशन कम्प्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट ऑन बिफोर 5 PM 31/10/2022 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, शाम को 5 बजे तक। और अप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा, NIFT.ac.in/Bhopal, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इजी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो पाएंगे।
और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके किधर जमा करना हुआ देख लेते हैं। तो डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भावरी भोपाल बाईपास रोड भोपाल, ये एड्रेस पे आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। और लास्ट डेट जो है 31/10 शाम को 5 बजे तक आपको आवेदन जमा करना होगा। आप बाय हैंड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं और आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करना होगा। दी एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ इज रिक्वायर्ड टू बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ NFT भोपाल। NFT भोपाल के नाम से आपको ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो पाएंगे और इसको ईजी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।